अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिली पनीर की रेसिपी। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, बहुत ही झटपट से आराम से बन जाती है और खाने में तो खैर ये डिश लाजवाब है ही। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया 1/2 kg पनीर और उसे इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। बिल्कुल एक ही तरह के साइज और शेप में आप काट लें। अब मैंने इसमें ऐड किया है 2 tablespoons मैदा, 3 tablespoons कॉर्नफ्लोर। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 2 tablespoons ऑयल। ऑयल डालकर मैरिनेट करने से पनीर अंदर से काफ़ी जूसी बनता है और बाहर से ये क्रिस्पी रहेगा। सभी मसालों को काफ़ी अच्छे तरीके से पनीर के हर एक टुकड़े पर कोट कर लेना है और अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। पनीर अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया है और अब हम इसमें बारी बारी से पनीर के पीसेस को बिछा देंगे। पैन को ओवर क्राउडेड ना करें, इतने ही पीसेस एक बार में डालें जितने आराम से पलटा सकें। 3 से 4 मिनट तक हम इसे एक साइड पर सेक लेंगे। जब पनीर एक साइड से गोल्डन हो जाएगा तब हम उसे दूसरी साइड में फ्लिप कर लेंगे। दोनों साइड से हम सभी पनीर पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पनीर को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो वो हार्ड हो जाएंगे। सभी पीसेस को मैंने बाहर निकाल लिए हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर यूज़ करने से पनीर काफ़ी क्रिस्पी तैयार हुआ है। देखिए, हमने सारे पनीर पीसेस को फ्राई करके रख लिया है, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम सॉसेस की स्लड़ी तैयार करेंगे। एक बड़े बोल में मैंने 1 cup पानी लिया है, नॉर्मल पानी ही यूज़ किया है मैंने। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठंडे पानी में कॉर्नफ्लोर काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है, उसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 2 tablespoon सोया सॉस, 2 tablespoon रेड चिली सॉस, 1 tablespoon वाइट विनेगर और 4 tablespoon टोमेटो सॉस। सॉस या केचप आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 teaspoon शुगर। इससे सॉसेस की सावरनेस बैलेंस हो जाती है। इन सबको हम काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे भी हम साइड में रख लेते हैं और अब ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने पैन में तेल गर्म कर लिया है, मैंने उसी बचे हुए तेल का यूज़ किया है। अगर तेल ज़्यादा बच गया हो तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर लें। तेल को हमें काफ़ी अच्छे से गर्म होने देना है। 10 से 12 लहसुन और 1 inch अदरक के टुकड़े को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने बीच से स्लिट करके रख लिया है। जब तेल खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें लहसुन और अदरक डाल देंगे, साथ ही हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसे हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज को मैंने डाइस में कट कर लिया है और उनके बल्ब्स अलग कर दिए हैं। 1 बड़े साइज के कैप्सिकम को भी मैंने डाइस में काट लिया है और थोड़ी सी हरी प्याज यानी स्प्रिंग अनियन को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी प्याज के व्हाइट वाले पोर्शन को भी हम काट के रख लेंगे। अब हम बारी बारी से इन सब को भी पैन में डाल देंगे। हरी प्याज को मैंने बचा के रख लिया है। 2 से 3 मिनट हम इन सबको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस की स्लरी जो हमने पहले से तैयार करके रखी थी। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि मैं ग्रेवी वाली चिली पनीर बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। इन सबको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसे ढककर एक बॉईल आने तक
पका लेते हैं। ग्रेवी में बॉईल आ चुका है, प्याज और कैप्सिकम भी पक चुके हैं। अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे ढककर 2 मिनट और पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है हरी प्याज के पत्ते और अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए हमारी डिलीशियस यम्मी यम्मी चिली पनीर बिल्कुल रेडी है। अब इसे थोड़ी सी हरी प्याज से गार्निश कर लेते हैं। आप इसे फ्राइड राइस या नूडल के साथ खाएं या फिर पूरी या पराठों के साथ, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स एक बार मेरे स्टाइल में ये चिली पनीर ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिसे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।